विश्व हिंदू परिषद ने मंडी शहर में अपना कार्यालय खोल दिया है। महाजन बाजार मंडी में खुले इस कार्यालय का शुभारंभ प्रांत संगठन मंत्री नीरज गुलेरिया ने किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय की मंडी शहर में जरूरत थी, जिसके लिए पिछले काफी समय से चिंतन चला हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने मंडी शहर में अपना कार्यालय खोल दिया है। महाजन बाजार मंडी में खुले इस कार्यालय का शुभारंभ प्रातः संगठन मंत्री नीरज गुलेरिया ने किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय की मंडी शहर में जरूरत थी, जिसके लिए पिछले काफी समय से चिंतन चला हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी तो ये कार्यालय अस्थायी तौर पर खोला गया है, मगर हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में स्थायी कार्यालय मंडी शहर में खोला जाए। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत लंबे समय से ये प्रयास किया जा रहा था कि अपना एक कार्यालय मंडी में हो, ताकि बिना कार्यालय के काफी दिक्कतें आ रही थी, तो उस दिक्कतों को आज दूर करते हुए अपना एक कार्यालय विश्व हिंदू परिषद जिला मंडी ने महाजन बाजार में स्थापित कर दिया। और उसका शुभारंभ भी जैसे मैंने बताया प्रांत संगठन मीडिया ने किया उसका आरम्भ। आज उनका शिमला से प्रवास था, फिर थोड़ा देर मंडी के आगे पालमपुर में आज उनका प्रवास है। तो कुल मिलाकर उनका भी हमें यही ये रहा आयोजन कि आपने ये जो कार्यालय शुरू किया है, आपके मन में एक संकल्प था, तो अब संकल्प आगे का ये है कि मंडी में ये अस्थायी कार्यालय खुला है। हमारा प्रयास ये है कि आगे आने वाले कुछ समय के बाद हम अपना एक स्थायी कार्यालय मंडी में स्थापित कर सकें। उसके लिए उचित स्थान देखकर, उचित उसका मायना करने के बाद स्थान का, और वो अपना एक स्थान मंडी में बना सकें, क्योंकि मंडी जिला जो है वो पूरे प्रांत के बिल्कुल मध्य में स्थित है। तो विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी और कार्यकर्ता जब भी अपने प्रवास पर निकलते हैं तो करीब करीब मंडी से गुजरना उनका एक तरह से आवश्यक ही रहता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम एक स्थायी कार्यालय बनाएं और उसमें उन सभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं का भी उसमें सहयोग रहे और उनको भी वहाँ सहयोगिता मिले। विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यालय खुला है, जिसके द्वारा संगठन की नियमित गतिविधि संचालित हो सके, यह एक अच्छा प्रयास किया है। और यह भी संकल्प लिया है कि आगे चल करके मंडी में एक बड़ा और विशाल कार्यालय बनाएंगे। मंडी में विश्व हिंदू परिषद का काम पूरे हर वार्ड वार्ड में हो, सभी ग्राम समितियों, बड़ी ग्राम समितियों तक पहुंचे, इसलिए कि धर्मांतरण की चपेट में मंडी और या हिमाचल का हिंदू आने लगा है। और धर्मांतरण किसी का होता है तो राष्ट्रांतरण हो जाता है, इसलिए जो हिंदू धर्मांतरित हो गए हैं वो घर कैसे वापस आए, यह प्रयास करना है। धर्मांतरण पर इस सरकार, प्रदेश की सरकार कानून लेकर के आई, धर्मांतरण के विरोध में कानून लेकर आए, कठोर कानून लेकर आए, ताकि कोई धर्मांतरित हो न सके। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। लेकिन संगठन के काम के द्वारा जो धर्मांतरण का प्रयास कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। जो लोग प्रयास को कर रहे हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। दूसरा, भारत में जिस प्रकार से वर्तमान में कभी संकल्प आज से 70 साल पहले, आज से 75 साल पहले के भी लोग हैं जिनकी आयु इतनी हो चुकी है, उनका भी सपना था कि भारत कश्मीर, भारत में से 370 भाग उसकी हटे, कश्मीर से हटे, और 370 वर्तमान सरकार ने हटा करके हमारे उस संकल्प को एक तरह से साकार किया है।